हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी भी फंडामेंटल पार्टनरशिप चल रहा है बेटे, और पार्ट 12 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आज जो कैलकुलेशन करें इंडस्ट्रियल ड्राइंग पे करें और प्रोडक्ट मैटर से करूंगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। कितने ट्रांजैक्शन है? 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। प्रोडक्ट मैटर फॉलो करने से क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। अर्पित इज ए पार्टनर इन ए फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022। अर्पित ड्रॉइंग वर एज फॉलोज। यहाँ पर लिख लेते हैं वर एज फॉलोज। क्या होता है, देखिए, डेट ड्रॉइंग अमाउंट। फर्स्ट मार्च को कितना लिया? 1000। अच्छा ठीक है, फर्स्ट मार्च को कितना? 1000। मई फर्स्ट को कितना लिया? 750। जुलाई फर्स्ट को कितना? 1250। सितंबर वन को बेटा 500, नवंबर वन को 500। अब इसके क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर हो गया आपका डेट, हो गया ड्रॉइंग अमाउंट, हो गया ड्रॉइंग अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ड्रॉइंग डेट, ड्रॉइंग अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ, मंथ कर दीजिए, नंबर ऑफ मंथ, राइट। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अमाउंट रुपी। देखिए बेटा, मार्च वन पर है, मार्च वन डेमांड कितना? 1000 है। मई फर्स्ट 750 है। जुलाई फर्स्ट 1250 है। सितंबर फर्स्ट 500 है। और नवंबर फर्स्ट 500 है, ठीक होता है। और मार्च फर्स्ट में निकाला और अकाउंट का प्रोसेस करें बेटा 31 दिसंबर को। तो मार्च वन से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं? 10 मंथ। फिर मई वन से लेकर 31 दिसंबर तक 8 मंथ, ठीक है बेटा। फिर जुलाई फर्स्ट को लिया आपने, तो कितना मंथ हो गया? जुलाई वन से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए बेटा? 6 मंथ। फिर सितंबर वन को लिया, सितंबर फर्स्ट से लेकर 31 दिसंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ हो गया। फिर नंबर वन को लिया तो नंबर दिसंबर 2 मंथ, ठीक है बेटा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 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 इसको, और जो अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, कितना बेटा? 10000, ठीक है, 10000 आ गया, ठीक है बेटा। आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग से नहीं लिखा है, यहां पे लिख देता
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ लिखा भूल गया लिखना, लिख देता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग इज 10.5% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है बेटा। ये आपका कितना हो गया, 6,000 हो गया बेटा, राइट। ये आपका हो गया 7,500, ये आपका 2,000 और ये आपका हो गया 1,000 और टोटल आपका हो गया बेटा 26,500। बस इतने ही करने हैं, अब निकाल दीजिए। और देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू इंटरेस्ट आईओडी लिख देना था, शॉर्टकट हो जाएगा। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एग्जामिनेशन हॉल में ये शॉर्टकट नहीं लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल में बेटा पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। यहाँ पर टाइम से पढ़ने के लिए मैं सर लिख रहा हूँ, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट इंटू 1/12 इंटू रेट बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑन ड्रॉइंग, बहुत लंबा हो जाता है, छोड़ दो, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक होता है। अब देखिए सम ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है, 26,500 इंटू 1/12 है इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 100 है, राइट। ये से ये कैंसिल हो गया 2,0, ठीक है। अब इसका जब कैलकुलेशन करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 231.875, दैट इज रुपीज 232 अप्रोक्सीमेटली, लगभग कितना अमाउंट आ रहा है बेटा, ठीक है। ये है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। हाँ अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चलेगा क्वेश्चन बेटा, क्योंकि जिस टॉपिक को लेकर चलूंगा उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है, जिससे कि ये सफिशियंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इवन की बुक भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 10 ईयर्स पर क्या क्या आता है वो सब देखने की जरूरत नहीं है।